तो क्या आप अपना पहला एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आपको डीएचएल या फेडेक्स ने बोला है कि आपको पहले एडी को रजिस्टर कराने की जरूरत है, उसके बाद ही आप अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और आपने फिर गूगल करना शुरू करा होगा कि हाउ टू रजिस्टर एडी कोड, उसके बाद आपको मेरा ही वीडियो दिखा होगा गूगल में सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर या यूट्यूब में सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक एडी कोड का वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन एडी कोड को रजिस्टर कर सकते हैं और अगर ऑनलाइन नहीं करना तो ऑफलाइन मेरे थ्रू कैसे एडी कोड को रजिस्टर कर सकते हैं एक ही दिन में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना एडी कोड के कैसे अपना एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। आपको कोई भी एडी कोड रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे इनिशियल लेवल पे बिना एडी कोड रजिस्टर ना कराने का। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांगर, आप सभी देख रहे हैं ग्लोबल व्यापार, जहां हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और कस्टम क्लेम्स के बारे में। चलिए आज इस एडी कोड को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। एडी कोड को डीकोड बढ़िया था, एडी कोड को डीकोड करने की कोशिश करते हैं कि एडी कोड है क्या और आपको क्यों एडी कोड रजिस्टर कराने की जरूरत पड़ती है इन द फर्स्ट मतलब एडी कोड रजिस्टर कराने की जरूरत ही क्यों पड़ती है आखिर आपको एडी एक्सपोर्ट कराने के लिए। इससे पहले मैं एडी कोड को एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ और फिर एक्सपोर्ट अपना शुरू कर सकते हैं आप, जो कि कंप्लीट डिटेल वीडियो था कि एडी कोड क्या होता है, किस लिए वो काम आता है, कैसे रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या डीएससी वगैरह चाहिए होती है, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर लॉगिन करना होता है टिकट में जाकर, फिर डीएससी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करके अपलोड करना होता है, फिर अप्रूवल का वेट करना होता है, या ऑफलाइन मेरे थ्रू करना होता है या किसी भी आपका भी सी एच जानने वाला उसके थ्रू करना होता है। और अगर आप एडी कोड नहीं भी करना चाह रहे, हो सकता है कि आपने भी अपना काम शुरू किया हो और अपना छोटा मोटा आपको सैंपल भेजना हो, ओवरसीज में छोटा मोटा ऑर्डर आया हो वो भेजना हो, तो उसको किस तरीके से आप बिना एडी कोड को रजिस्टर कराए अपना पैसा बचा के एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। देखिए एडी कोड ना रजिस्टर करके एक्सपोर्ट करने के तीन मेन क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। पहला क्राइटेरिया होता है कि आपकी जो शिपमेंट है उसका वेट 17 किलो से नीचे होना चाहिए, आपके जो इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस वैल्यू यानी कि उस आइटम का जो टोटल आइटम का जो वैल्यू है वो 25,000 से नीचे होना चाहिए, या और प्लस आपका जो टोटल आइटम है वो 4 क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। टोटल आइटम 4 होना चाहिए, उससे नीचे उसकी टोटल वैल्यू 25,000 रुपये से नीचे होनी चाहिए और उसका टोटल वेट 17 किलो से नीचे होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप बिना एडी को रजिस्टर कराए अपना एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं और सैंपल के रूप में उसको बाहर भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई फेडेक्स डीएचएल या कोई भी अदर कुरियर सर्विस वाला कहता है ना कि आपको पहले एडी कोड करना है तो चौड़े में आप ही मेरा वीडियो का लिंक उसको भेज देना और बोलना कि भाई ने बोला है कि बिना एडी कोड रजिस्टर कराए हम अपना शिपमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज सैंपल, क्योंकि सैंपल कैटेगरी में आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप सैंपल भेज रहे हैं, कमर्शियल क्वांटिटी तो बाद में भेजेंगे ना, कमर्शियल ऑर्डर तो आपको बाद में आएगा, तो एडी कोड जो होता है वो कमर्शियल एक्सपोर्ट के केस में रजिस्टर कराना पड़ता है आपको। तो देखा एक वीडियो में मैंने कैसे आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दी एडी कोड को लेकर, आप बिना एडी कोड का सर्च वर्च मत करो, सीधा अपना शिपमेंट एक्सपोर्ट करो और अगर आपकी शिपमेंट कमर्शियल है तो एडी कोड रजिस्टर कराओ। इससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे सैंपल भेजे हैं, मैं प्रैक्टिकल, मैं खुद सीएचए हूं, मैंने प्रैक्टिकली ये किया है, मैं करता हूं। कोई भी शिपमेंट जिसकी वैल्यू 25,000 से नीचे हो सैंपल के रूप में हम बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि बाहर जो एक्चुअल आपकी कमर्शियल क्वांटिटी वो कमर्शियल ऑर्डर है वो तो बाद में आएगा ना। तो आई होप कि आपको एडी कोड का कन्फ्यूजन दूर हो गया और आपको समझ में आया कि बिना एडी कोड को रजिस्टर कराए आप कैसे अपना शिपमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे, बाद में आप कभी भी अपना एडी कोड रजिस्टर कराना। एडी कोड रजिस्टर कराने जो होता है वो एक बार होता है, आपको अपना एक डॉक्यूमेंट मिलता है, एडी कोड लेटर मिलता है बैंक की तरफ से, कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं जो अगर आपको ऑनलाइन करना है तो डिजिटली साइन करके अपलोड करना होता है, मैनुअली करना है तो आप मेरे थ्रू यानी किसी की भी कोई भी सीएचए के थ्रू आप उसको मैनुअली सबमिट करा सकते हैं एडी कोड लेटर के साथ, और वो जनरली 24 घंटे में आपका अपडेट हो जाता है इस गेट पे। तो और वो लाइफ टाइम के लिए होता है, आपका एडी कोड और एफएससी कोड दोनों साथ में रजिस्टर हो जाता है, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। और बेसिकली एडी कोड जो होता है वो होता है आपका कोई भी आपका जो बेनिफिट होता है ड्रॉबैक वगैरह और आपका जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है ओवरसीज के साथ, वो एक्चुअली एक मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एडी कोड निकाला था। तो बेसिकली यही एडी कोड था, आप एडी कोड के बिना आप अपना शिपमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना डरे फेडेक्स और डीएचएल और कोई भी कुरियर सर्विस के थ्रू, चौड़े में उनको बोलना कि मेरी जो शिपमेंट है सैम्पल शिपमेंट है आप इसको, और इसकी वैल्यू भी 25,000 से कम है और ये सारे तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो आप इसको एज सैम्पल एक्सपोर्ट कर दो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि एडी कोड क्या होता है और बिना कैसे उसको बिना रजिस्टर कराए आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपकी मैंने इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर करी और अपना इतना पैसा बचा दिया मैंने आपको, तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल पर, इस तरह की वीडियो लाता रहता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।